conservation of angular momentum देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमने कुछ एग्जांपल्स लास्ट टाइम किए थे कि कहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा. फॉर एग्जांपल एक डिस्क घूम रही है, घूमते हुए डिस्क पे आपने एक और डिस्क को प्लेस कर दिया तो आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू. वो रॉड घूम रही है, बीट सेंटर पे है, बीट कॉर्नर पे चले गए तो भी आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू. घूमती हुई रोटेट करती हुई अर्थ छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है तो भी आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू. तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स किए थे. एक और एग्जाम्पल मुझे याद आया, जब कोई स्विमिंग पूल में जंप मारता है तो आपने देखा होगा कोई कॉम्पिटिशन भी होता है, बहुत हाइट से जंप मारते हैं और वो गोल 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 करके घूमना होता है, समर सॉल्ट बोलते हैं उसे. तो जो भी वो जंप मारता है तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है. जितना ज़्यादा वो फोल्ड करता है उतना ही गोल 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 घूम के वो नीचे उतरता है, और अगर वो बॉडी को खोल के नीचे गिरेगा तो उसकी जो राउंड्स हैं वो लगेंगे नहीं या बहुत कम लगेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि घुमाने के लिए हमने कोई टॉर्क लगाया नहीं, तो उसका I इंटू ओमेगा एंगुलर मोमेंटम इज अ कॉन्स्टेंट. जब भी वो अपनी बॉडी को फोल्ड करेगा तो अपने एक्सिस के पास लेके आएगा पार्टिकल्स को, अपनी बॉडी के पार्टिकल्स को एक्सिस के पास लेके आ रहा है. खोलेगा तो मान लो एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो मास दूर चला गया, बंद कर लेगा बॉडी को तो मास पास आ जाएंगे एक्सिस के, तो I कम हो जाएगा. जैसे ही I कम होगा ओमेगा बढ़ जाएगा, तो उसकी रोटेशंस बढ़ जाएंगी. स्केटर देखे होंगे, आइस स्केटिंग करते हैं जो, तो वो गोल 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 एक टांग पे गोल 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 घूमना बहुत तेज घूमते हैं, लेकिन घूमते तब हैं जब अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करके घूमते हैं. जब उनको रुकना होता है तो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को ओपन कर लेते हैं और रुक जाते हैं. क्यों? क्योंकि बॉडी फोल्ड करने का मतलब आई का क्या होना, कम होना. आई कम होना ओमेगा का ज्यादा होना. ठीक, कोई भी एनिमल जैसे कैट जब जंप मारती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, अपनी बॉडी को खोल के जंप मारती है, क्योंकि फोल्ड कर लेगी तो गोल गोल घूम जाएगी, ओपन कर लेगी तो आई उसका बढ़ जाएगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम. तो उसके घूमने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी. तो ये और एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के. एक प्लेटफॉर्म है, गोल टर्न कर रहा था, इसके ऊपर एक मैन खड़ा है और उसने हाथ में डंबल्स लिए हुए हैं. तो मान लो वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, वो क्या करता है, अपने डंबल्स को फोल्ड कर लेता है ऐसे, तो जो प्लेटफॉर्म है वो तेज घूमना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि फोल्ड करने का मतलब आई का क्या होना, कम होना. अगर आई कम होगा तो ओमेगा ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, यहां तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कुछ एग्जांपल.